प्यारे बच्चों, आज की कहानी है द ओपन विंडो, जिसको साकी ने लिखा था। ये एक एडवेंचरियस और इमोशनल कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। ये प्यारी सी कहानी शुरू होती है 15 साल की एक लड़की के साथ, जिसका नाम है भीरा। इनके घर में एक आदमी आता है, मिस्टर नटल नाम का। वो इससे बोलते हैं कि आप मेरे आंट से मिलने आए हैं। मैं आपको बता दूं सर, वो घर के ऊपर रहती है, ज़्यादा आती जाती नहीं। थोड़ी देर में वो नीचे आएगी, तब तक आप मुझसे बात कर लो। अब ये आदमी को डिप्रेशन की बीमारी है और ये अपनी बड़ी सी सिटी छोड़कर इस छोटे से विलेज में घूमने आया है। इसको लगता है कि शांत इलाके में रहने से शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए। मिस्टर नटल पूरी कोशिश करता है कि उसके मुँह से कुछ अच्छा निकले, ताकि ये लड़की को भी खूब अच्छा लगे। एक तरफ से वो इस बच्चे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अब इस लड़की से बात करते करते वो कुछ सोच रहा है। उसको याद है उसकी बहन बोल रही थी कि भैया, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम किसी से भी बात नहीं करोगे और माहौल कुछ ऐसा होगा कि शायद तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाए। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि जितने भी लोग को मैं जानती हूँ उन सब के नाम का लेटर्स और इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैं वहाँ पर कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छे हैं। अभी वो अपनी सिस्टर की बताए हुए लोगों में से एक मिस्टर सैपलेटन से मिलने आया है, जिसकी भांजी 15 साल की इस लड़की से वो बात कर रही है। और यहाँ पर बैठा बैठा ये अंदाज़ा लगा रहा है और सोच रहा है, वो लेडी मिसेस सैपलेटन। काफ़ी देर तक इन लोगों में कोई बात नहीं होती और बहुत शांति थी। आफ्टर लॉन्ग टाइम वो लड़की खुद इस साइलेंस को तोड़ती है और बोलती है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं? वो बोलता है, नहीं, मेरी बहन लगभग 4 साल पहले यहाँ पर रहकर गई थी, वो उनको जानती है और उसने ही मुझे ये लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं। वो लड़की बोलती है, आपको शायद मेरी आंट की लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, वैसे मुझे सिर्फ उनका नाम और एड्रेस पता है। वो सोच रहा है जिस लेडी मिसेस सैपलेटन से वो मिलने आया है वो किस टाइप की लेडी होंगी। वो लड़की बोलती है, मेरे आंट के साथ 3 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी, उस टाइम में शायद आपकी बहन यहाँ पर रहने आई थी। उस टाइम की बात आपकी बहन ने आपको बताया नहीं, पर वो सोचने लगता है इतनी शांत और अच्छी जगह पर भी लोगों के साथ ट्रेजेडी कैसे हो सकता है। वो बोलती है, आपने एक बात नोटिस किया? वो सामने इशारा करके बोलती है, हमने अक्टूबर के सीजन में भी अपने घर की खिड़की को खुला रखा है, हमारी विंडो खुली हुई है। उस विंडो की तरफ इशारा करके वो बोलती है। मिस्टर नडल बोलते हैं, हाँ, ये बात तो काफी अजीब है, इस खिड़की का उस ट्रेजेडी से क्या लेना देना है? फिर वो लड़की बोलती है, आज ही के दिन 3 साल पहले मेरी आंट की हस्बैंड और उनके 2 भाई शिकार पर गए थे। बड़ा अजीब शौक था उनका, खिड़की से जाते थे, खिड़की से आते थे, लेकिन वो दिन आज ही के दिन 3 साल पहले उनका आखिरी दिन था और वो लौट कर आए नहीं। रास्ते में जाते जाते वो एक गीली रास्ते पर से गए और उनको पता नहीं था, चलते चलते वो एक दलदल में फंस गए, एक कीचड़ टाइप का जगह। वहाँ पर साइन भी था, वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर ध्यान से चले, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मेरी बेचारी आंटी के लिए सबसे दुख देने वाली बात ये थी कि उन दोनों की लाश भी नहीं मिली। ऐसी भारी आवाज़ में वो बोली जैसे उसकी आवाज़ में दर्द साफ दिख रहा था। अब मेरी आंट आज भी इस उम्मीद में जिंदा है कि कभी ना कभी वो लौटकर वापस आएंगे। उसके साथ हमारा एक डॉग भी गया था, वो सब जरूर लौट कर आएंगे, इसी खिड़की से लौट के आएंगे। इस उम्मीद में जिंदा है मेरी आंट और इसलिए वो खुद सुबह से लेकर शाम तक ये खिड़की खुली रखती है। और ना जाने कितनी बार मुझे बता चुकी है कि एक वाइट ओवरकोट पहनकर उनके हस्बैंड बाहर गए थे और उनकी भाई रॉनी जो बार बार एक ही गाना गाकर उनको चिढ़ा रहा था, क्योंकि वो जल्दी इरिटेट हो जाती है। उनको खुद ऐसे फीलिंग आती है कि वो लोग सामने से खुद चलकर आने वाले हैं। उन दोनों के बीच में बातें हो रही थी, तभी आंटी आ जाती है कमरे में और माफ़ी मांगती है और बोलती है, आई होप भेरा ने आपको बोर नहीं किया होगा अपनी बातों से। अच्छा, तो इस लड़की का नाम भेरा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी। मिसेस सैपलेटन बोलती है, आई होप मिस्टर नटल
आपका खुली खिड़की से कोई तकलीफ नहीं है, दरअसल मेरे हस्बैंड और उनके भाई शिकार पर गए हैं तो वो लौट कर आने वाले हैं। वो सुन रहा था बेचारा, वो भी कमजोर दिल का आदमी था और सोच रहा था किस उम्मीद ने इस लड़की को जिंदा रखा है अब तक। ये सोच के उसकी आंखें भर आई। वो अपनी ओर से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। वो नोटिस कर रहा था वो लड़की उसकी तरफ ध्यान कम दे रही थी और कितने डिप्रेशन में थी। वो उसकी तरफ तो अटेंशन कम दे रही थी और खिड़की की तरफ ज़्यादा देख रही थी। कितनी बुरी बात है, मैं आज के दिन यहाँ पर आया। उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए खुद ही बात निकलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला है। मैं किसी भी टाइप का मेंटल एक्साइटमेंट को अवॉइड करता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला है मैं कोई भी वायलेंट चीज़ से दूर रहूँ। तभी अचानक वो चिल्ला कर बोली, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। ये सुनते ही वो आदमी डर के उस 15 साल की लड़की की ओर देख रहा था, जो कि खुद डरी हुई थी। वो पलट कर खिड़की की तरफ देखता है तो वो सीन देखकर किसी की भी दिल दहल जाए। अंधेरे में 3 इंसान की परछाई चलते हुए घर की तरफ आ रही थी। उनके हाथों में बंदूकें थी। जैसे वो करीब आ रहे थे उनमें से एक बंदा गाना गा रहा था। मिस्टर नटल ने अपनी टोपी उठाई, फ्रंट गेट की तरफ भागा और भाग गया डर के मारे। तीनों बंदे खिड़की से अंदर आ गए और पूछा, कौन था ये जनाब जो हमें देखकर भाग गया जैसे कोई भूत देख ली। तो लड़ी बोली, बहुत ही अजीब आदमी थे मिस्टर नटल, सिर्फ अपने बारे में बोल रहे थे और अपनी तबीयत के बारे में बोल रहे थे और ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया। भेरा बोली कि शायद वो कुत्ते से डर गया। वो बोल भी रहा था कि उनको कुत्ते से बड़ा डर है, एक बार उनके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ गए थे, तभी से वो कुत्तों से डरता है क्योंकि उस रात उनको कब्र में सोना पड़ा था।